बिक्रम सिंह मजीठिया के नीले गिफ्ट रैपर वाले डब्बों के सोशल मीडिया से सियासी सफ़ा के बहुत चर्चे ने। सोशल मीडिया से पोस्ट पा के मजीठिया ने दो डब्बों वाली एक पोस्ट साझी की सी ते सीएम भगवंत मान को ये डब्बे देने की गल कही सी। हुण इन्हां डब्बों के उपर सस्पेंस नू खोलदिआं मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ते भगवंत मान दे एक मंत्री दे उपर गंभीर इल्जाम लगाए ने। इल्जाम यह ने कि मजीठिया दे कोल एक आपत्तिजनक वीडियो है भगवंत मान दे किसी मंत्री दी, जिस दे विच गैर मर्यादित तरीके दे नाल ये मंत्री मौजूद है ते मंग की है मजीठिया ने कि इस नू तुरंत मंत्री पद तो हटाया जाए ते इस दे उपर कार्रवाई की जाए। ऑन दी आउटसेट मैनू बड़ी क्लीयरली ये गल मैं थोनू कह रहा कि मैं जिनी भी ट्वीट्स पाइया ने चाहे वह सब तो पहला ये मुख्यमंत्री साहब के नाल जिहड़े उन्हां दे अनमोल हीरे वजीर साहिबान खलोते सी उन्हां बारे मैं ट्वीट ये पाई सी और बड़ा स्पष्ट कहा सी कि जब मैं वह सबूत थोड़े अगे रखूँगा ते तुसी इहदे नाल फोटो खिचाउणी की हथ मिलाउणा भी पसंद नहीं करोंगे और अज भी मैं उस गल ते खलोता। दूजी उस तो बाद इह बड़ी चर्चा चल पई कि पता नहीं इह कुछ करना है कि नहीं करना। देखो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक नवे तरीके का सिस्टम शुरू किया, परसनल तौर पर ना किसी नूं अपॉइंटमेंट दिंदे आ ना मिलदे आ। आ हुणे SYL दे मुद्दे ते पंजाब दे मुद्दियां ते जिहड़ी डिबेट होई है, डिबेट की एक तरफा भाषण होया PAU च, तुसी सारे जानते हो कि उहदा जिहड़ा तौर तरीका सी वह एक ट्वीट सी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सी। इसलिए मैं समझा कि यही भाषा शायद बदलाव वाली सरकार नूं समझ आउंदी है। तो मैं दूजी ट्वीट पाई कि चीफ मिनिस्टर साहब मेरे कोल एक थोड़े लिए कोई चीज़ देने है, चलो ये तो थोड़ा क्योंकि दिवाली दे दिन सी मैनू सीगा कि मुख्यमंत्री नू कई बधाई दे रहे ते मैं भी लिया के आपका गिफ्ट रख दिया, आ गिफ्ट इत्थे पिया ना मैं खोलिया, ये गिफ्ट उन्हां वास्ते है। और मैं यही कहा कि मैनू समा दे दिओ। अज देखो ये सारी गल्लां कहण तो बाद भी दो तीन दिन बीत गए, चीफ मिनिस्टर साहब का मैनू सीगा मैनू फोन आजूगा, फोन नहीं आया। मैनू अज पता लग्या शायद दिल्ली गए आ, कहिंदे केजरीवाल साहब तो आपस च सलाह कर रहे हैं कि जे 12 बजे मजीठिए ने वीडियो जनतक करती फिर आपां की करना। तो जेडे वो वजीर साहब ने वो कह रहे हैं कि जे मजीठिए ने करता तो उत्ते की इल्जाम लाने, मतलब मेरे ते पलटवार किवें करना है। एक इन्हों माऊ जहा बड़े ध्यान नाल मेरी गल सुन रहा होना, इस तो बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस सद लेनी, चलो मैनू ना की दसण की लोड़, थोनू पता ही है भरा तू जो मर्जी कह दे। ये वीडियो जी है ना जी, देखो मैं गल क्यों लैके आया थोड़े सामने, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक तरीका बन गया। एक इन्हों पहले वजीर सा जी उन्हों की चीफ मिनिस्टर साहब के भगवंत मान साहब के पहली पसंद ने कटारू चक साहब, पहली पसंद मैं ता कह रहा, एडे सीरीयस एलीगेशन। और उस वीडियो नू उस सारे कारनामे नू किस तरीके नाल कवर अप किया तुसी ते मैं सब जानते। मैनू भी ये आस है, मैं कोई आस नहीं रखता इन्हां तो, ये कवर अप ऑपरेशन वास्ते वो पुरानी सिट ही ला देंगे, फिर जे मैं देती थोनू इनू भी सिट बिठा देंगे, सिट ने लिया के गोलमोल कर कम करना है तो वह सिट पहली वाली है उसकी ड्यूटी ला दियो। मगर असलीयत की गल की है कि वह तो पहली पसंद सी तो यह भी मनपसंद ही है जिहड़ा होने वाला, मतलब इनू भी खास तौर पर काफ़ी प्रोमिनेंट पोजिशन दित्तियां ने। और इस चीफ मिनिस्टर साहब जेड़े जिन्हों की मैं गल कर रहा, मैं ता बार बार आ रहा, देखो इस वीडियो ऑडियो हुण मैं जे थोनू जनतक करदा तो पहली गल तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि कई विखाउण वाली नहीं, मतलब इट इज़ आई डोंट थिंक इट इज़ राइट फॉर मी बीइंग अ रिस्पोंसिबल परसन। हाँ जे मैं की
ਤੇ ਜੇ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣੇ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਜੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਹਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਹਾਊ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ SIT ਅੱਜ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਦੂ, ਮਗਰ ਦੀ ਸਪੈਕਸ ਵੋਂਟ ਚੇਂਜ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ SIT ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਮਤਲਬ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਰਲੀ ਐਡਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਰਲੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਭਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਾਇਓ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋਲਡ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੈਂ? ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਵੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਊਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਮੁੜ ਕੇ? ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਹੀ ਹੋ ਲਿਆ ਫੋਨ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਮਜੀਠੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰੀ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕਾਹਦੀ ਆ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ।
ये तो गीत ही सुनाई जाएंगे वो चला ला आप गल कर लिए जो हूँ पता नहीं किन्ना चिर गीत सुनाउंदे आ मगर मैं थानू एक गल दस दिया मेरे को खबर भी है। हाँ जी हाँ जी अच्छा इन्ना चिर लग गया थानू देखण च कि गए गए नंबर दस्यो मैनू 27 40 325 ठीक थैंक यू चलो उधर भी ट्राई कर ला भाई। देखो मैं ता थानू कह रहा कि मेरी मंशा सिर्फ एक ते एक है बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस इशू कि यह जा प्रेडिटर यह जी सोच वाला बंदा पंजाब की वजारत च चाहिए जेड़ा कोई ओदे कोल पीड़ता आवे कोई पीड़ित आवे ते ए उनू जस्टिस देन दी जगह ओदा शोषण करन मिसयूज ऑफ पावर अब्यूज ऑफ पावर और ए आम आदमी पार्टी दी कट्टर इमानदार सरकार दा एक हॉलमार्क बन गया और उस तो बाद ऑपरेशन कवर अप जारी हुंदा है बाय हैंड पिक्ड एसआईटीज। सो मैं डिमांड करदा कि जे ता ए गिफ्ट लेना तो भाई दस दौ नहीं लेना तो फिर मैं होर कोई एदा इलाज लब्भा क्योंकि मेरे तो यह ना रखन वाला तो ना घरे रखन वाला ना वेखन वाला मैनू पता मैं किवें लुको लुको इनू रखदा कि जब नू किते साडे ती मुड़ के सवाल उठन लग जाण कि यार ये केड़ियां चीज़ां घरे रखियां। इसलिए यह बड़ा ही खतरनाक काम है ये मजाक की गल नहीं मगर ये मैं थोनू एक और दसदा सी एम साहब को खबर भी है वो बंदा कौन है उनू आप तोर दौ एवें जलूस ना कढ़ायो क्योंकि ये जुलूस कला सरकार का नहीं पंजाबियों का भी आज होल निकलना की करते की फिरते। सो फोन साडा चकते नहीं एक बारी करके वेख लिया भाई दूजी बारी फिर मकाला हूँ मैनू नहीं लगता मेरा फोन खेती कितने चुकना थोड़े कुछ सवाल जी एक प्रूफ है जी दिखा दें अब खा देना थोड़े सामने खोल रहे हैं कितने को कवे चीज मेरी चीज ते कोल मजीठे ने देती आ जी देखनी तो नहीं ना चला तू ही दियो मैं थोनू दे देना जिन्हें चलानी है चला दे मुड़ के देखो इतना हाँ इतना मैं जरूर दस देना थोनू जे इन्हें ना ना एक्शन लिया फिर वो ले जावांगे सेंसर बोर्ड को फिल्म बोर्ड वाले को उन्होंने पूछ लांगे कि कुछ होता है। हाँ जी वो बंदा मालवे च भी भज्जिया फिरदा माझे च भी भज्जिया फिरदा दुआबे च भी भज्जिया फिरदा थोड़े विच भी भज्जिया फिरदा बाजो मैं तो इन्नी कह सकदा बाजो जिहड़ा बच सकदा कटारू चक का भी तो भी खतरनाक मेरा भी मेनू कोई शौक नहीं है जा कंटेंट वेखण दा मैं तो माड़ा जा जो मेनू किसी ने यह मेनू दिती ठीक है जी मैं किसे गया होया सी पब्लिक फंक्शन से मेनू कहिंदे जी आ रख लो एक उहदे च सी अपना एनवलोप च मैं क्या की है मेरा भी उन्हें खोल के मैनू खाई कहिंदा आ रख लो ये बहुत खतरनाक बंदा है एंड असी आज करांगे तुसी इनू पब्लिक फोरम ते लैके जाऊंगा। चलो मैं उन्हूं कहा मैं क्या मेरा भी रहा नहीं मैनू विखा की है फिर एक कंप्यूटर लियाए उहदे च उन्हें मैनू एक क्लिप दिखाई उहदे फोन ते भी सी ते मैनू उह भी विखाई फिर मैं उहतों कहा बंद कर दे मैं क्या पढ़ा दे और मैं दो तीन वारी थोड़े अगे जिक्र किया कि इसलिए जिक्र किया कि सी एम साहब का तो एडा इंटैलीजेंस ऑपरेटर है जदों किसी नूं विरोधी नूं चुकना हुंदा घरों उदों तो इन्हां नूं सब पता लग जांदा कि किन्ने बजे सुत्ता सी किन्ने बजे इन्हें उठना की करना की नहीं करना बेचारे नूं हले पानी का गिलास नहीं पीण दिंदे उदों चुक के लै जांदे ते आ तां इन्ना कुछ दसण तो बाद 15-20 दिन तो रौला पैण डिया मैं सोचा कुछ कर देणगे मगर है ही नहीं मनशा क्लीन चिट देण दी लगदा मनशा मगर मैनू नहीं समझ आउंदी इह च क्लीन चिट दित्ता किवें जाऊ।
मजीठिया ने कहा है कि यह मिसयूज ऑफ पावर है, यानी कि सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल इस मंत्री वालों किया गया। उन्होंने कहा है कि अजिहे व्यक्ति नूं वजारत दे विच रहण दा कोई हक नहीं है, तो सीएम भगवंत मान तुरंत इस मंत्री के उपर कानूनी कार्रवाई करन। उन्होंने कहा कि जेकर इनकुआरी या कार्रवाई नहीं की जाती तो खुद वो इस मुद्दे के उत्ते इंडिपेंडेंट इनकुआरी की मांग करनगे। हाँ, ये कहानी नवी पा देन ते पा देन, मगर फिर मैं ये मांग करूंगा इंडिपेंडेंट इनक्वायरी की। पहली पसंद है इन्हां दी, पहली पसंद भगवंत मान जी की कटारू चक है, कटारू चक दे बंदी ने जेड़ा दी वीडियो, ये दूजी है मन पसंद है। हाँ जी, जेड़े आ इना चलो और दस देना इना च ही ने। मैं ना ये गल जनतक करनी नहीं सी अज, मैं आ वेख लो वैसे तो यदा हाल ये जिम्मे गवर्नर साहब का टाइम दिता होंगे ना राष्ट्रपति का कि 11 बजे आवगे, अं भी ये दिवाली मनाते आए हैं, कदे सीएम का इस तरह की फोटो नहीं वेखी जिम्मे सैरोमोनीयल फोटो। जो मैं फोटो वेखी तो मैं क्या नाल ही मैं भी दस दिया कि मेरे को भी गिफ्ट तुरै फिर, क्योंकि आ चक्की फिर आ कई चक्की फिरते डब्बे डुब्बे जे, तो मैं क्या साढ़े को भी डब्बा तैयार। हाँ जी, लागे खलोता ही खतरनाक है, मैं जिदे लागे भी खलो जाए ओनू खतरा है। मैं सानू सीधी गल दस, पहला मुख्यमंत्री साहब का तो वेख लिए, उस तो स्पष्ट हो जू मुख्यमंत्री साहब का यह जे मोरल बैड करैक्टर लोगों प्रति आपकी वजारत च जेडे जिन्हों का मोरली करैक्टर ठीक नहीं, नैतिकता से उन्हों की कारगुजारी ठीक नहीं, सीएम साहब का उन्होंने प्रति की सोच है, वह तो कटारू चक तो काफ़ी हद तक साफ हो गई है, मगर ये बिल्कुल ही साफ हो जू। पहला काम है मैं सीएम साहब नूं दे रहा, बार बार कह रहा कि मेरा मकसद ये नहीं कि मैं किसी नूं जलील करा, किसी नूं बेइज्जत करा, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि यह जे प्रेडिटर्स, यह जे खतरनाक लोग, यह जी माड़ी सोच वाले लोग थोड़ी वजारत च नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोगों ने देश दुनिया के दे लोगों ने इन्हां नाल आके काम कराने हैं, तो जे काम करन दी जगह ये उन्हां दा शोषण करते हैं कि उन्होंने हक बनता उत्थे रहना, कि यह चुने नुमाइंदे का काम है। किसी की परसनल लाइफ हो जो मर्जी करे, मगर वह परसनल लाइफ च है, मगर दीज आर नॉट परसनल, दीज आर पब्लिक पीपल, और यह मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ ऑफिस है। एंड इस मैं थानू बार बार कह रहा, इट इज फॉर एक्सचेंज ऑफ समथिंग, ये तो मैटर ऑफ इनक्वायरी है सारा कुछ। मैं आपदे न्याणे दी करानी है एडमिशन, मैं एडमिशन करा ला फिर नौ लै दूंगा, फिर मुड़ के मैं उत्थे जान जोगा ना रहा स्कूल। सर, इट विच इज द बिगेस्ट इनफोर्समेंट एजेंसी देन द चीफ मिनिस्टर। पहला मेरा काम है, चीफ मिनिस्टर साहब के हैंड पिक्ड हैं, चीफ मिनिस्टर साहब की मनपसंद के हैं, चीफ मिनिस्टर साहब क्या करेंगे उसको मैं पहले देखना चाहता हूँ, नहीं कुछ करेंगे फिर तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस, आई कांट हैव यह जा जानवर है जा राक्षस है जा प्रेडिटर ऑन द प्राउल, मतलब ही कोई नहीं। आए जिस अखीर तक लड़ांगे कि यह जे खतरनाक लोग नहीं चाहिए पंजाब की वजारत च, मगर पहली बेनिफिट ऑफ डाउट मैं सीएम साहब नूं दिना है दैट यू टेक एक्शन। जे वह ऑपरेशन कवर अप करनगे मैं वह भी दस दूंगा, इको एस आई टी है इन्हां कोल ऑपरेशन कवर अप लई जिहड़ी पिछली सी, नौ तां मैं की लैणा, वह अफसर भी फिर मेरे नाल गुस्सा करदे, साडा नौ लै देना साडी मजबूरी है।